स्वागत फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, तो उसमें आप एक सेंटेंस सुने होंगे, योर कॉल्स एंड मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो वो क्या होता है, एक्चुअली दो एंड होता है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो तो दो एंड होता है, एक एंड आप और दूसरा एंड आपका फ्रेंड। तो वो जो दो एंड में ट्रैवल करता है मैसेज, तो पहले क्या होता था, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन से पहले आपका, आप जो नेटवर्क ऑपरेटर का नेटवर्क यूज़ करते हो, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो वो जो डाटा पैकेट्स में जाता है वो मैसेज, तो उसका एक्सेस आपका नेटवर्क ऑपरेटर के पास होता था, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन के पहले। पर व्हाट्सएप और सिक्योरिटी के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन पॉलिसी लाया, तो उसमें क्या होता है, पहले एंड से दूसरे एंड तक मैसेज पहुँचने से पहले जो बीच का पार्ट है, तो एक्चुअली वो एक कोड लैंग्वेज में बदल जाता है, मशीनी कोड लैंग्वेज में बदल जाता है, जिसको कि डिकोड कर पाना मुश्किल है। नेटवर्क ऑपरेटर तो बिल्कुल भी आप की कर नहीं पाएंगे, व्हाट्सएप खुद भी नहीं करता है डिकोड। तो अभी वो पूरी तरह सेफ है, तो इसे ही कहते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो आपका कॉल मैसेजेस दोनों ही एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, कोई भी आपका अभी कॉल और मैसेज एक्सेस नहीं कर सकता है, ये अभी बिल्कुल सेफ है, ऐसे व्हाट्सएप बोलता है। तो ठीक है।